तीन नंबर देखिए, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ए नंबर में, कि त्रिभुज ए बी सी में, चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना लेता हूँ ए नंबर के लिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी। कह रहा है ना कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, और एंगल बी बराबर में है 50 डिग्री, तो एंगल ए का मान पूछ रहा है। तो देखो ना, आपके पास कह रहा है कि ए बी बराबर है ए सी, यह दिया है, तो आप अभी देखे थे पहले नंबर क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये साबित भी कराया है, ठीक है, चलिए, यानी कि एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी और सी आपस में बराबर हो जाएंगे, यह सी बी के बराबर हो जाएगा, और बी कितना दिया है? 50 डिग्री दिया, तो एंगल बी 50 तो सी भी 50 हो गया। हमें क्या निकालना है? एंगल ए की माप निकालनी है। तो आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमें ए निकालना है, बी दिया है 50, तो मैं यहाँ पे 50 रख देता हूं, और सी हमने अभी निकाला है 50 बराबर में 180, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 को उधर ले जाके 180 में से घटा दो, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, घटा देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल ए जो होगा 80 डिग्री, यहाँ पे 80 भरेंगे। चलिए अगला इसमें कहा बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में, चलो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ।